भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 के स्वाभिमान समाह रक्षा एवं विकास के लिए कर्म जुझार निर्भीक प्रत्याशी रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव का चुनाव चिन्ह कैची पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। माँ सती के 52 शक्तिपीठों में से 51 भारत में और एक पाकिस्तान में, जिसमें से 3 शक्तिपीठ कुंजापुरी, सुरकंडा और चंद्रबंदनी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। नवरात्र पर इन शक्तिपीठों का अलग महत्व है। चंद्रबंदनी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे माँ सती की तपस्थली भी कहा जाता है, टिहरी जिले के देवप्रयाग में चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है। माँ चंद्रबंदनी शक्तिपीठ सड़क से करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद होते हैं। माँ चंद्रबंदनी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे माँ आदि शक्ति की तपस्थली भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष द्वारा जब प्रजापति बनने के बाद यज्ञ का आयोजन किया गया, तो उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। इससे आक्रोशित होकर भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, और जब भगवान शिव को पता चला तो वो क्रोध में वहां पहुंचे और सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे और कंधे में सती के शरीर को लेकर चले गए, जिसके बाद सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ के रूप में जाने जाने लगी। इस तरह 52 जगहों पर सती के शरीर के टुकड़े गिरे और 52 शक्तिपीठ बने, जिसमें से चंद्रबदनी शक्तिपीठ में माँ सती के बदन का हिस्सा गिरा और तभी से इसे चंद्रकोट बदन पर्वत पर होने के कारण चंद्रबदनी शक्तिपीठ माने जाने लगा। माँ चंद्रबदनी शक्तिपीठ की विशेष मान्यता है और आसपास के क्षेत्र की ये कुल देवी भी हैं, जिस कारण नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। हालांकि इस बार कोविड के चलते यहाँ श्रद्धालु कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ चंद्रबदनी से प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा भी इस बार कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है। वहीं दूर दराज से पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का भी कहना है कि माँ का बुलावा होता है तो वो खींचे चले आते हैं, फिर चाहे जो भी दिक्कतें हैं, और माँ से अपने परिवार के सुख शांति के साथ ही कोविड महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। माँ सती के शक्ति पीठों में नवरात्र में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और इस बार कोविड का असर भी शक्ति पीठों और मंदिरों में देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आस्था कोविड महामारी पर भारी पड़ रही है और श्रद्धालु माँ के दर्शन पर कोविड महामारी से निजात दिलाने की भी प्रार्थना कर रहे हैं। नवरात्र का टाइम भी चल रहा है और कुलदेवी भी आप लोग बता रहे हैं। हाँ, इष्ट देवी तो हमारी हैं ही, तो जब भी हम यहाँ उत्तराखंड का चक्कर लगता है अपने गाँव का, तो हम एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं, चाहे 3 साल में लगे चाहे 2 साल में। तो हर बार हमारा रहता है कि सारे अपने मंदिर कवर अप कर ले, तो इसीलिए सारे भी हम लोग आए, तो इसलिए मैम नवरात्र भी है, कोविड का टाइम भी चल रहा है, एक दहशत का माहौल भी है, काफ़ी टफ था क्योंकि जगह जगह पर हम तो दिल्ली से ही आना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन खैर पहुँची है, माता रानी ने खींच लिया। काफ़ी समय से सोच रहे थे आने की, 4 साल पहले मेरी बीवी बच्चे आए थे, तो इस साल मुझे भी मौका मिला आने का, तो माता ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। तो यही है, कोविड है हाँ ठीक है, पर दिल्ली से जब निकलते तो वहाँ से टेस्ट करवा के ही निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, रास्ते में भी चेकिंग होती है, सब होता है, तो पूरे प्रिकॉशन लिए गए हैं उसके लिए, उसके बाद हम यहाँ आए। थैंक यू सर।